कि हमने नहा लिया बस उससे ही साफ सफाई होगी। हाँ वो भी सोच के अंदर आता है, हमें हाइजीनिक रहना चाहिए पर हमें अपना मन भी साफ रखना चाहिए। जैसा कहा गया था सुबह कि यहाँ पे आत्मा का निवास होता है, तो हमें यहाँ पे अपना अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यह आता है शौच, शौच संतोष, संतोष साधुरतम सुलाभ, ऐसा भी कहा गया है लोकोत्तर में कि यदि हमारे पास जितना है उसमें अगर हम लोग संतोष कर ले, हमें किसी और चीज की आवश्यकता ना हो या फिर हमें किसी चीज की प्यास ना हो तो हमेशा स्वयं को खुशी खुश पाते हैं, खुशी अनुभव करते हैं। और यदि हम निरंतर तप करते रहते हैं तो हमें अनेक खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और तब ऐसा नहीं है कि वहाँ जाओ हिमालय में और वहाँ पे बैठ जाओ, तब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जैसा हम सभी लोग हैं विद्यार्थी कि अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, ईश्वर प्रधान आ रही, मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। असल में सत्य यह है कि ये ईश्वर का कार्य है और हम ईश्वर के एक यंत्र हैं और हम एक ईश्वर के यंत्र बनके यह कार्य कर रहे हैं। नियम इस प्रकार से होते हैं, नियम से आते हैं आसन, आसन स्थिर सुखम आसनम, जिस भी मुद्रा में हमें स्थिर सुख मिले उसे आसन कहते हैं। कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जहर दे दिया गया था, उनके पूरे शरीर पे फफोले आ रहे थे, तब वो एकदम आनंद की मुद्रा में बैठे थे। वो होती है आसन की पराकाष्ठा। हमारे को चाहे जितना भी दुख हो, यदि हम आसन में प्रवीण हैं तो हम उस दुख को सुख में बदलना जानते हैं। यम नियम आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वासों पे पूरा अच्छे से नियंत्रण होना। अब ये भी स्वामी दयानंद जी के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें एक बार क्या हुआ कि वो आराम से संध्या कर रहे थे, संध्या में ग्रस्त थे, तो उन्हें कहीं जलाशय में ऐसा कुछ कर दिया था, तो उन्होंने प्राणायाम की शक्ति से काफ़ी समय तक अपनी जो उपासना थी उसे पूर्ण करके वहाँ से निकल के आ गए। और उन लोगों ने देखा कि वाह ये तो क्या चमत्कार है। फिर आता है यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, यदि हम प्रतिदिन करते रहे किसी भी चीज़ को, प्रतिदिन करने से हम उसके नियम ग्रस्त हो जाते हैं, हम उसे करना अच्छे से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसको हर रोज करना चाहिए सभी को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। समाधि क्या होता है कि इन सभी को एक साथ करना, तभी जब एकत्रित हो जाए तब उसे समाधि कहते हैं। और समाधि भगवत तत्व को प्राप्त करना ही समझ लीजिए, एक मोक्ष तत्व है समाधि। यदि हम अष्टांग योग करते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई आजकल की ऐसी जिंदगी है कि सब लोग ऐसे ही इधर उधर रहते हैं, तो अगर आप कुछ समय भी निकाल लें या फिर कुछ समय ना भी निकालें तो भी जो मैंने बताया वो आप अपने जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें कर सकते हैं। अब अष्टांग योग तो कर लिया, अब फिर उसके बाद आता है कि सिर्फ अष्टांग योग करते रहेंगे हम इतने अच्छे बन जाएंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब हम बस अच्छे ही हैं सबके लिए और दूसरा हमारे लिए कैसा है हम नहीं कहते, तो फिर दुर्जन भी बहुत घातक होते हैं, वो भी हमें ऐसे कुछ भी करने से रोकते हैं, हमारी टांग खींचते हैं। तो एक श्लोक है, दुर्जने शुच सर्पे वरम सर्पो हि दुर्जन दुर्जनस्तु पदे पदे पदे। मतलब ये है कि अगर हमें दो विकल्प मिले, एक है दुर्जन और एक है सर्प, तो हमें दुर्जन को ना चुनकर सर्प को ही चुनना चाहिए, क्योंकि सर्प तो एक बार में काटेगा और फिर उसके बाद वो चला जाएगा, वो हमें कुछ नहीं कहेगा। और जो दुर्जन होता है वो हमें पग पग पर हानि पहुंचाता रहेगा, इस कारण हमें हमेशा दुर्जन को त्याग देना चाहिए। और अब अगर हमने दुर्जनों को भी त्याग दिया तो फिर अगर हम खुद ही मूड है तो या फिर कोई और मूड है उसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उस पर भी एक श्लोक है, हम अपना अगर वो सुधरना चाहता है तो वो सुधर सकता है।
पर अगर वो नहीं सुधरना चाहता तो उसको भी एक श्लोक है, शक्यो वारयि तुंगलेन उतभु क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निपीटाङ्कुशेन समदो दण्डेन गो गर्दभौ सर्वस्यौषधस्ति शास्त्रवीतं मूर्धस्य नास्त्यौषधि। अर्थात अगर आग जली हो तो उसे पानी से बुझाया जाता है, बुझाया जा सकता है, बुझाया जाता है। किसी जगह पर, किसी स्थान पर सूर्य का बहुत तेज आ रहा हो तो उसे छत्र लगा के रोका जा सकता है। यदि गौ और गर्दभ इधर उधर मंडरा रहे हो तो उन्हें डंडे के प्रभाव से रोक सकते हैं, पर एक मूर्ख का कोई औषधि नहीं है। उसे हम जो भी कहें अगर वो सुने ही ना हो, वो प्रभावित ही ना हो, तो उसे उसको समझाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मूर्ख को समझाने में हमें नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि वो सुधरे तो। और आलस्य भी, जैसे हमें बताया था उस लोक का ये श्लोक है, सूत्र व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्या वृद्धि भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कर्तवा नवस्तत वाणी चित्त विक्षेप आलस्य अंतराया। एक श्लोक भी कहा जाता है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात जो आलसी व्यक्ति होता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जिसे विद्या नहीं मिलती उसे धन नहीं मिलता, और जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र नहीं बनते, और यदि जिसके मित्र नहीं मिलते तो उसके सुख नहीं मिलता। इसका सीधा सीधा सार ये निकलता है कि आलस्य जो करता है असल वो सुख के लिए करता है, पर आलस्य की वजह से ही हमें सुख नहीं मिलता। पर जो आलस्य नहीं करता, ऐसे ही काम करता रहता है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो भी सही नहीं है। इससे भी कहा जाता है, एक पॉपुलर श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायतो बलम्। मतलब जो अभिवादनशील होकर बड़ों की सेवा करता है उसकी चार चीज़ों में बहुत वृद्धि होती है। आयु यानी उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या भी बढ़ती है, उसका यज्ञ भी बढ़ता है, उसका बल जो होता है हर प्रकार से उसका बल भी बढ़ता है। इसलिए हमेशा हमें अभिवादन करते रहना चाहिए जैसे बड़ों का। अब यदि हम सबका बड़ों का आदर करते हैं तो हम तो छोटे भी हैं, तो वो कभी कभार कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, तो क्षमा जो होता है वो भी एक बड़ा तत्व है। क्षमा आवश्यकृत, इसके ऊपर एक श्लोक भी है, क्षमा आवश्यकृत लोग समय के साथ देते शांति गंदा करे दुर्जन किम करेष्यसि। यानी कि जो जिसके पास क्षमा है वो पूरे विश्व को अपने वश में कर सकता है, शांति से क्या नहीं हो सकता। और जिसके पास क्षमा या फिर शांति दोनों की तलवार है तो दुर्जन उसका क्या ही कर सकते, दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकते जिसके पास शांति की तलवार है।